नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो भर्ती निकली थी, जिसकी परीक्षा तिथि 25/1/2019 है, उसके एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं और वो देखने के लिए आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना होगा। तो इसके लिए या तो आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिए MP ऑनलाइन, या फिर ब्राउज़र में आप mponline.gov.in एंटर करके ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, MP ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। तो इस तरीके से आपके सामने MP ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको नागरिक सेवाएं जहां लिखा हुआ है इंग्लिश में, आपको ओपन करेंगे तो आपको वहां सिटीजन सर्विसेज मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जाना है आवेदन पर। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से आपको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ढूँढना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है राइट में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एप्लीकेशन एंड सर्विस टैब पर जाना है। आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 2018, और इसी में आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आप इसके बाद यहाँ पर सामने जहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर नीचे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड दिया होगा, अब वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर ये जो कोड दिया हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा और इसके बाद लॉगिन करिएगा तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।